ये गया हुआ है, यहाँ जो पाइप निकला हुआ था, और ये गया हुआ है छत पे जाली की तरफ से। मैं ऊपर जा रहा हूँ और ये जाली के पाइप की तरफ से निकला हुआ है। ये रहा आपका पूरा का पूरा यूनिट। आप लोग उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे से होंगे। ये जो पीछे इनडोर देख रहे हैं, इसका जो आउटडोर यूनिट है, गैलरी से निकाल कर हमें छत पे लगाना है। तो आपको पूरा काम हो जाने के बाद आपको मैं दिखाऊंगा जैसे गैलरी में कहाँ पे लगा हुआ है और कहाँ पे इसको हमने लगाया है। ठीक है, ये एसी लगा हुआ था गैलरी में, गैलरी से हटा के हमें छत पे रखना था। तो इसका जो है इनडोर है ये। अब आपको मैं दिखाने वाला हूँ कि एसी ये कहाँ पे लगा हुआ था, मतलब इसका आउटडोर यूनिट। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे डबल स्टैंड पे, ये जो आप देख रहे हैं ये जो फासनर का जगह है, ये 3-6, तो यहाँ पे आउटडोर यूनिट रखा हुआ था। इनका बालकोनी ब्लॉक रहता था, यहाँ पे ये जो जगह है बिल्कुल ब्लॉक रहता था। तो अब क्या हुआ कि हमने यहाँ से इसको पाइप ज्वाइन करके अंडरग्राउंड पाइपिंग है और ले गया मैंने छत पे। ठीक है, तो छत पे ये एसी रखा हुआ है, मैं आपको अभी दिखाऊंगा कैसे लगा हुआ है। तो चलते हैं अब छत पे, और हम आ गए हैं अब छत पे। जो पहला एसी यहाँ लगा हुआ है और दूसरा एसी जो हमने यहाँ पे लगाया हुआ है, ये देखिए, ये टेरिस पे है हम लोग। और यहाँ पे लड़के को भेजे थे टैपिंग करने के लिए। ये जो है ये देखिए, आउटडोर भी चल गया, हमने चला के आए थे। ठीक है, फर्स्ट क्लास। और इसका मैं पाइपिंग दिखा रहा हूँ आपको, जो पाइप वहाँ से कैसे आया हुआ, ये देख रहे हैं। ये जाली है जो कबूतर के लिए लोग लगाते हैं, ये जाली के अंदर से हमने ये पाइप को निकाला है और यहाँ पे बैंड किया है पाइप को। यहाँ पे बैंड करने के बाद हमने इसको यहाँ पे बांध दिया है, और यहाँ पर बांधने के बाद इसमें कनेक्ट कर दिया हमने। ठीक है, तो ये पूरा आउटडोर का यूनिट है, आप लोग देखिए। तो कैसा लगा, पहले प्लानिंग था कि यहाँ पे है तो डायरेक्ट यहाँ पे निकलता, तो एक्चुअल में इसका जो इनडोर है उसको अंदर फ्लेयर नहीं है, मतलब यूनियन नहीं है, तो दोबारा टांका लगाने से जल जाता। इसकी वजह से हम लेने यहीं से पाइप को निकाल के, यहाँ से पाइप को निकाल के हमने डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब मैं आपको दोबारा से इनडोर यूनिट दिखाता हूँ। तो कैसा लगा ये वीडियो आप लोगों को? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है, आप लोग इस तरीके से अगर काम कराना चाहते हैं, क्या आप लोगों का भी एसी बार बार ख़राब होता है? अगर आप लोग इस तरीके से परेशानी में हैं तो मुझे आप लोग कॉल कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पे दिया हुआ है। और लास्ट में बताना चाहूँगा, आप लोग नए हैं अभी तक मेरा जो चैनल है सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं तो कृपया करके आप लोग मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दिया करें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ में, किसी और चीज़ के साथ में। जब तक के लिए ओके, बाय बाय।